हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप्ति। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, अभी चल रहा है फरवरी का मंथ और अभी गार्डन में कई तरह के फूल खिले हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं मेरे गार्डन में ये है स्वीट अलैसम, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। साथ में ये पॉन्सेटिया, ये भी बहुत अच्छे से अभी खिल रहा है मेरे यहाँ, बिल्कुल कलर बिखेरते हुए। और ये है दूसरा पॉन्सेटिया। फेब्रुअरी के मंथ में ही जितने परमानेंट प्लांट्स होते हैं वो अपने विंटर के डोरमेंसी पीरियड से बाहर आते हैं और अपनी नई ग्रोथ शुरू करते हैं। ये इनका ग्रोइंग टाइम रहता है, तो ऐसे टाइम पे हमें प्लांट्स के साथ में तीन चार काम अगर हम कर लें तो ये हमारे गार्डन को बहुत खूबसूरत बना कर रखते हैं। उनमें सबसे पहले है प्रूनिंग, दूसरा है प्लांट्स की साफ़ सफाई, वीड्स वगैरह हटाना, थर्ड नंबर पर है गुड़ाई करने के बाद फर्टिलाइज़र ऐड करना। तो आज मैं आप सब से शेयर करूंगी कि मैंने किन किन प्लांट्स की प्रूनिंग की है। तो सबसे पहले ये है, देखिए, थनबर्जिया का प्लांट जिसकी मैंने प्रूनिंग की है और मैंने प्लांट्स का ज़्यादातर हिस्सा प्रून करके निकाल दिया है। केवल मैंने 12-14 इंच ही प्लांट का रखा है और बाकी को मैंने प्रून करके निकाल दिया है। अच्छा, बाद में मैं इन सब में फर्टिलाइज़र भी ऐड करूँगी। साथ में देखिए इन सूखी टहनियों को भी मैं निकालती जा रही हूँ जिससे प्लांट साफ भी हो जाता है और प्लांट्स की एनर्जी भी वेस्ट नहीं होती है। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है कनेर, ओलियंडर जिसे बोलते हैं, उसकी भी मैंने प्रूनिंग की हुई है। कनेर में अभी फूल कुछ खिले भी हुए थे लेकिन फिर भी मैंने इनकी प्रूनिंग कर दी है, क्योंकि अगर अभी प्रूनिंग नहीं करूँगी तो बाद में इसमें फ्लावरिंग कम हो जाएगी और प्लांट भी अपना बैलेंस नहीं रख पाता है, तो फिर वो इधर उधर बेतरतीब सा बढ़ता रहता है। नेक्स्ट है देसी वाले एक्जोरा का प्लांट जिसमें रेड कलर के फूल आते हैं, उसकी भी मैंने प्रूनिंग कर दी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ ले चुका था। नेक्स्ट प्लांट है एरिका पाम का। इसकी प्रूनिंग तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि इसमें तो कोई शाखाएं होती नहीं है, लेकिन इसकी कटी फटी पुरानी पीली पत्तियों को अलग करके और बीच बीच में हम जो पत्तियों को काटते रहते हैं तो उसका नीचे का जो हिस्सा है वो रह जाता है प्लांट में, तो उन सब को हटाकर हम इस प्लांट को बहुत अच्छे से साफ़ कर सकते हैं जिससे कि इस प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है और ये काफ़ी हरा भरा हो जाता है। और इसके अलावा देखिए इस तरह से ना कुछ एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है एरिका पाम में। कई बार ये नए शूट्स होते हैं, नए पत्तियाँ निकलने का होता है लेकिन ये अच्छे से ग्रोथ नहीं लेते हैं, तो इसलिए इसको भी मैं यहाँ से निकाल दूँगी ताकि ये पौधे की एनर्जी वेस्ट ना करें। और ये है करेलिया का बोनसाई, लेकिन इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो गई है कि ये प्लांट लगने लग गया है, लेकिन इसकी गांठें जो दिखाई दे रही हैं ना, इसके ठीक ऊपर से मैं इसको प्रून कर दूंगी और बाद में जब इसमें फिर से नई ग्रोथ आएगी तब ये बहुत खूबसूरत बोनसाई में दिखाई देने लगेगा फिर से। और ये देखिए इस तरह से मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी है और कुछ देर को धूप में भी रख दिया है इसे। और प्रून करने के बाद देखिए ये जो ब्रांचेस है ना, इसमें ढेर सारी गांठें से बनी हुई है। अगर इसकी कटिंग हम अभी ग्रो करते हैं तो इससे बहुत सुंदर बोनसाई तैयार होते हैं, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी अरेलिया के बहुत सारे प्लांट्स हैं इसीलिए मैं इसे नहीं रखूँगी, फेंक दूँगी। और आज तो मैंने इस बॉटल प्लांटर की भी हेयर कटिंग कर ही दी है। ये वॉलीबियन ज्यू का प्लांट है और इसे देखिए मैंने इस तरह से प्रून कर दिया है। अब इसमें फिर से नई ग्रोथ आएगी और ये प्लांट फिर से बहुत खूबसूरत दिखाई देने लगेगा।
नेक्स्ट जो प्लांट है वो है बहुत ही खूबसूरत पीच कलर के फूलों वाला और डॉटेड पत्तियों वाला बिगोनिया का प्लांट। मेरे पास ये तीन तरह के हैं, तो इनको मैंने कटिंग से ग्रो किया था, लेकिन 2 साल में इनकी इतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी और ये थोड़े बेतरतीब से होने लग गए, तो मैं फेब्रवरी का वेट ही कर रही थी कि कब ये मंथ आए तो मैं इसकी प्रूनिंग कर दूँ, और फिर इसमें जब नई ग्रोथ आएगी तो ये बहुत सुंदर दिखेगा और शेप में भी आ जाएगा। नेक्स्ट जो प्लांट्स है वो है कोलियस के। कोलियस की मैंने प्रूनिंग तो नहीं की है, बल्कि इनके ऊपर के टिप को काट कर मैंने फिर नए सिरे से इनको ग्रो किया है, और देखिए कितने बड़े बड़े ये हो गए थे और कितना सारा कचरा निकला है सारे कोलियस को कटिंग करने के बाद में, और इनको फिर मैंने छोटे छोटे पॉट्स में इस तरह से ग्रो कर दिए हैं। अभी फिर ये अच्छे से ग्रोथ अपनी ले लेंगे और इन छोटे पॉट में ही ये बहुत अच्छे से चलते हैं। और कुछ कटिंग्स को मैं इधर भी लेकर आ गई हूँ, यहाँ इन छोटे छोटे पॉट्स में मैं इनकी कटिंग्स निकाल कर ग्रो कर दूंगी। साथ में मैंने यहाँ पर साफ घोल कर रखा हुआ है पानी में, जब मैं वाटरिंग करूँगी प्लांट लगाने के बाद तो मैं इसी पानी को दूंगी। और ये जो आप नाइफ देख रहे हैं इसकी सहायता से मैं इस जो कटिंग है इनको शार्प तरीके से काट लूँगी ताकि इनमें रॉटिंग का प्रॉब्लम ना आए। और इस तरह से देखिए बाल्टी भर भर कर कचरा निकल रहा है, और यहाँ पर मैंने देखिए ये सारे प्लांट्स ग्रो कर लिए हैं कोलियस के, और साथ में मैंने जो साफ का घुला हुआ पानी रखा था वो भी मैंने इसमें दे दिया है। नेक्स्ट प्लांट है हिबिस्कस के प्लांट्स, इनकी भी मैंने प्रूनिंग की है अभी फेब्रवरी के मंथ में। तो इस तरह से अगर ये बढ़ते रहते हैं ना तो इनमें फ्लावरिंग कम हो जाती है, तो इनकी अभी प्रूनिंग कर देने के बाद फिर नई ग्रोथ आएगी और फिर इसमें नए सिरे से फ्लावरिंग होगी। तो इस काम में मैंने फिर सावित्री की मदद ली, और सारे हिबिस्कस या गुड़हल के प्लांट्स प्रूनिंग करने के बाद में यहाँ पर इस तरह से जमा कर रख दिए गए हैं। प्रूनिंग कर देने के बाद ना प्लांट्स बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, लेकिन इस तरह से ना बहुत ज़्यादा कचरा भी हो जाता है पूरे गार्डन में, फिर इनको भी ठिकाने लगाना रहता है। और यहाँ पर एक गमले में ना लाल भाजी या लाल चौलाई अपने आप ही उगाई थी और इसकी इतनी अच्छी ग्रोथ है, तो वही सावित्री बोल रही है कि इसको मैं निकाल देती हूँ, आप इसको बना लो, ये इतने बड़े बड़े प्लांट्स हो गए हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है बांस या बैम्बू का प्लांट, इसकी भी मैंने प्रूनिंग नहीं की है, इसे मैंने रीपॉट करवाया है सावित्री से। ये कई सालों से इसी दो गमलों में लगे हुए थे, एक बोनसाई पॉट में और दूसरा बड़े गमले में, तो इस बार इसलिए इसकी ना बहुत ज़्यादा रूट बॉन्ड हो चुकी थी, तो इस बार मैंने इनको निकलवा कर इनके रूट प्रून करके इनको फिर से उसी पॉट में रीपॉट करवाया है। ये सारे वो प्लांट्स हैं जिनकी प्रूनिंग या रिपोर्टिंग की वीडियो में ले पाई, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी मैंने गार्डन में चलते फिरते ही प्रूनिंग कर दी या उनको निकाल कर फिर से रिपोर्ट कर दिया, और उन सब का मैं वीडियो नहीं ले पाई हूँ। तो आप भी अभी ये काम कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा टाइम होता है किसी भी प्लांट की रिपोर्टिंग या प्रूनिंग के लिए। मार्च के फर्स्ट वीक तक भी आप ये काम कर सकते हैं अगर आपके यहाँ का मौसम अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है। तो इस वाले बैम्बू प्लांट का तो इतना ज़्यादा रूट बॉन्ड हो चुका है, सावित्री को बहुत टाइम लगा इसका रूट प्रून करने के लिए, और बांस की सूखी हुई ब्रांचेस को भी इस तरह से निकाल दिया गया है। और ये दोनों बैम्बू के प्लांट्स रीपॉटिंग के बाद में देखिए इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, और इसे मैंने अभी एक शेडी प्लेस में रखा हुआ है। 3-4 दिन अभी मैं इसे यहीं रखूँगी, उसके बाद में मैं बाहर धूप में इसे निकालूंगी, क्योंकि अभी इसके रूट्स को हमने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है तो ये ख़राब होने के भी चांसेस हो सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको यहीं पर रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग।